सो गाइज मॉनसून सीजन आ चुका है और ये होता है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। बट यार ये रोमांटिक उन्हीं लोगों के लिए है जो कि मिंगल है या फिर जिनके पास कोई गर्ल सखी है। तो गर्ल सखी का मतलब समझ रहे हो ना। और हम ठहरे बाइकर्स, हमारे लिए तो हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी महबूबा, हमारी गर्ल सखी हमारी बाइक से ही होती हैं। बट ये वाला जो मानसून सीजन है ये बाइकर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है, क्योंकि इस सीजन होने वाली है काफ़ी सारी न्यू बाइक लॉन्च। इनमें 125 सीसी की स्पोर्ट बाइक से लेकर 400 सीसी की प्रीमियम बाइक तक शामिल हैं, जो कि मोस्ट अवेटेड बाइक्स हैं। जिनका वेट लोग काफ़ी टाइम से बहुत बेसब्री से कर रहे थे, वो बाइक्स भी इस सीजन लॉन्च होने वाली हैं। और अगर आप भी एक न्यू बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपको भी इन बाइक्स के लॉन्च का वेट करना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो मॉनसून का वेलकम करने वाली है हार्ले डेविडसन की रोडस्टर X440 और ये लॉन्च होने वाली है 3 जुलाई 2023 को। हार्ले डेविडसन इंडिया में इस बाइक को हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर बना रही है और ये इंडिया की अभी तक की सबसे सस्ती हार्ले डेविडसन की बाइक होने वाली है। बाइक को एकदम रोडस्टर लुक दिया गया है, फ्रंट में राउंड शेप LED हेडलाइट दी गई है जिसके सेंटर में हार्ले डेविडसन की बैजिंग मिलने वाली है। फ्रंट में सस्पेंशन के लिए ब्लैक कलर के अपसाइड डाउन फॉक्स दिए गए हैं और इस बाइक में ऑल LED लाइट का यूज किया गया है, लाइक LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, LED DRLs एंड LED इंडिकेटर्स, सब कुछ LED का ही होगा। इसके अलावा बाइक में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है जिसमें कि इसके सारे फीचर्स इंडिकेट होंगे। इसके अलावा इस बाइक में डुअल चैनल ABS जैसे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं। तो बाइक के फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस और प्राइस को अभी अनवील नहीं किया गया है, ये सब इसकी लॉन्चिंग के टाइम ही रिवील किए जाएंगे। और इसके नाम, डिजाइन और लुक्स को प्रीवियस मंथ ही रिवील कर दिया गया था। बट जैसा कि इसको नाम दिया गया है X440, तो हो सकता है इसमें 400 या 440 सीसी का इंजन होगा जो कि 35 से 40 PSP पावर और 30 से 35 NM टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस हो सकता है करीब 3 लाख रुपए एक्स शोरूम। बजाज ट्रायम्फ की ट्विंस भी इसी मंथ 5 जुलाई को लॉन्च होने वाली हैं। रिसेंटली ही ट्रायम्फ ने अपनी दोनों बाइक्स को लंदन में ग्लोबल अनवील किया था 27 जून को और इनके लुक्स, फीचर्स एंड इंजन स्पेसिफिकेशन सब कुछ सामने आ चुका है। बस 5 जुलाई को इसका प्राइस रिवील होना है। ट्रायम्फ इन बाइक्स को इंडिया में बजाज के साथ मिलकर बना रही है और दोनों ही बाइक रेट्रो मशीन्स हैं। स्पीड 400 को रोडस्टर लुक दिया गया है और ये ट्रायम्फ की स्पीड 900 और स्पीड 1200 जैसी बाइक से इंस्पायर्ड है, जबकि स्क्रैम्बलर 400X को स्क्रैम्बलर लुक दिया गया है और ये ट्रायम्फ की ही स्क्रैम्बलर 900 एंड स्क्रैम्बलर 1200 से इंस्पायर्ड है। लुक्स वाइज तो दोनों ही बाइकें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। बाकी दोनों बाइकों में सेम 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-वॉल्व DOSC सिंगल सिलेंडर 6-स्पीड वाला इंजन दिया गया है जो कि 40 PS पावर और 37.5 NM टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फीचर्स भी ऑलमोस्ट दोनों बाइकों में सिमिलियर हैं। दोनों बाइक्स में डिफरेंस की बात करें तो इसके डायमेंशन, व्हील साइज, टायर साइज एंड लुक्स एंड डिजाइन में डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पीड 400 में सिंगल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है जबकि स्क्रैम्बलर 400X में डुअल बैरल एग्जॉस्ट दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों बाइकों में। इसके अलावा सब कुछ सेम है दोनों बाइकों में, जैसे कि दोनों ही बाइक्स के फ्रंट में 43mm के गोल्डन कलर के बिग पिस्टन USD फॉक्स दिए गए हैं, डुअल चैनल ABS दिया गया है, सब कुछ सेम मिलने वाला है। और प्राइस की बात करें तो इनका प्राइस रह सकता है करीब 2,80,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक एक्स शोरूम। नेक्स्ट मंथ KTM भी अपनी ड्यूक 390 को अपग्रेड करके रिलॉन्च करने वाली है। मोस्टली क्या होता है, ब्रांड्स ज़्यादातर अपनी बाइक्स में छोटे छोटे अपडेट देते हैं, बट KTM ने यहाँ पर पूरी बाइक को ही चेंज कर दिया है एंड अब ये पहले से और भी ज़्यादा खतरनाक लुक्स और फीचर्स के साथ आने वाली है। KTM ने इस बाइक को इतना अपग्रेड कर दिया है कि सच बताऊँ तो अब ये 400 सीसी की सुपर ड्यूक बन चुकी है। रिसेंटली ही इसकी कुछ इमेजेस लीक हुई थी जिसमें कि इसका ये लुक निकल कर सामने आया था, तो देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है पहले वाली ड्यूक 390 से। जैसा कि इसकी फ्रंट हेडलाइट है वो पूरी तरह से चेंज है और देखने में पहले से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसके अलावा इसकी साइड फेयरिंग वो भी काफ़ी चेंज है और देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है।
इसके अलावा इसके चेसी, इंजन, टेल सेक्शन सब कुछ चेंज है। एंड रूमर्स हैं अब इसके अंदर 399 सीसी का लिक्विड कूल्ड BOSC 4-ball इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 45 PS पावर एंड 40 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इंजन को लेकर रूमर्स हैं, ये कंफर्म नहीं है अभी। एंड फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर डुअल चैनल ABS, USD फॉक्स, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड नेविगेशन जैसे काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स ऐड किए जाएंगे। और सबसे बड़ा अपडेट किया गया है इसके रियर सस्पेंशन में। अब इसके रियर में साइड माउंटेड मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है। एंड प्राइस की बात करें तो गाइज, इतने सारे चेंजेस इस बाइक पे किए गए हैं तो 15,000 से 20,000 रुपये तो डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। और अब ये बाइक आपको 3,20,000 या फिर 3,25,000 के एक्सोरूम प्राइस पर मिलने वाली है। और अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये बाइक अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर में ये बाइक लॉन्च की जा सकती है। सो ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक है और करिश्मा लवर्स इस बाइक को लेकर काफ़ी लंबे टाइम से सब्र कर रहे हैं। बट सब्र का फल मीठा होगा या फिर खट्टा, वो तो इसके लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मेरे पास भी यही बाइक है। प्रीवियस मंथ हीरो ने अपनी एक्सपल्स 200 4B और उसके प्रो वेरिएंट को लॉन्च किया था, और उस टाइम पे हीरो की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि वो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर एक न्यू बाइक लॉन्च करने वाले हैं एंड उसके बाद फिर 2-3 महीनों के अंदर दूसरी बाइक लॉन्च करने वाले हैं। और उसी टाइम डीलरशिप इवेंट में ये शो किया था। और ये देखकर लग रहा है कि यार, हीरो ने बाइक तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बना दिया है। बाइक को एकदम स्पोर्टी लुक दिया गया है, इसके एरोडायनामिक्स बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं एंड फ्रंट फेयरिंग पे RBMs माउंटेड हैं। पहले से काफ़ी बड़ा मस्कुलर टैंक दिया गया है, स्प्लिट सीट दी गई है। इसके अलावा इसका एग्जॉस्ट भी बिल्कुल चेंज कर दिया गया है एंड बाइक में ऑल LED लाइट का सेटअप यूज किया गया है। इसके अलावा बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है, जिसमें कि डुअल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, गियर इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स होंगे एंड आई थिंक इस बाइक में राइडिंग मोड्स मिस रहने वाले हैं। इसके अलावा बजट को मेंटेन करने के लिए इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, इसके अंदर USD फॉक्स नहीं मिलने वाले हैं एंड रियर में वही मोनोशॉक एब्जॉर्बर का सस्पेंशन मिलने वाला है। टायर्स भी पहले से ज़्यादा वाइड मिलने वाले हैं। इंजन की बात करें तो इस बाइक में 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 6-स्पीड इंजन दिया जाएगा, जो कि 25 PS पावर एंड अप्रॉक्स 20 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो पावर तो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, बट हाई परफॉर्मेंस के लिए इसके इंजन को भी रिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि गाइज इस बाइक से ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 200 सीसी सेगमेंट की बाइक होने के बाद RS 200, R15 और RC 200 की बराबरी तो कर सके। एंड प्राइस की बात करें तो इसका एक्सोरूम प्राइस रह सकता है करीब 1,60,000 रुपये से 1,75,000 रुपये एक्सोरूम। और अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इस बाइक के लिए अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा एंड ये बाइक आपको सितंबर तक मार्केट में देखने को मिल जाएगी। करिश्मा की लॉन्चिंग के बाद हीरो मोटोकॉर्प अभी यहीं पे नहीं रुकने वाली है और वो करेगी 125 सीसी सेगमेंट में अपनी पहली स्पोर्ट बाइक को लॉन्च। हीरो के पास अभी तक पल्सर NS125 और TVS राइडर 125 के कंपटीटर के लिए कोई भी बाइक नहीं है। हालांकि 125 सीसी में कम्यूटर बाइक है, बट ऐसी कोई बाइक नहीं है जो TVS राइडर और NS125 को कंप्लीट कर सके। तो हीरो बहुत जल्दी ही इस सेगमेंट में भी अपनी स्पोर्ट बाइक को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस बाइक को रिसेंटली ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया था, जिसमें कुछ इमेज इसके लीक हुई है एंड इसका जो रियर सेक्शन है वो 160R के जैसा ही लग रहा है एंड कह सकते हैं ये बाइक भी 160R पर बेस्ड हो सकती है। बाइक में ऑल LED लाइट का यूज किया गया है। इस बाइक के फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है और रियर में वही ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाइक में सिंगल चैनल ABS मिल सकता है। इंजन की बात करें तो इसमें 125 सीसी का 5-स्पीड गियरबॉक्स वाला इंजन दिया जा सकता है, जो कि करीब 10 से 11 PS पावर और इतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस रह सकता है 1,15,000 से 1,20,000 रुपये ऑन रोड। और लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये बाइक भी सितंबर या फिर अक्टूबर तक लॉन्च की जा सकती है। इस सीजन यामा की तरफ से भी जुड़वा लॉन्च होने वाले हैं, यामा R3 और यामा MT-03।
दोनों ही बाइक्स एक डीलरशिप इवेंट में नजर आ चुकी हैं और दोनों ही बाइक के लुक्स को अनवील कर दिया गया है। इन बाइक्स के लुक्स और डिजाइन को भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है और अब ये न्यू कलर स्कीम और न्यू ग्राफिक्स के साथ आने वाली हैं। दोनों ही बाइक्स में सेम 321 सीसी का लिक्विड कूल्ड BOSC डुअल सिलेंडर 6 स्पीड इंजन दिया गया है जो कि 42-43 PS पावर एंड 29 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और फीचर्स की बात करें तो यामाहा की बाइक्स में फीचर्स कम हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। RN5 में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं तो सोचो R3 में तो फीचर्स की बरसात होने वाली है। दोनों ही बाइक्स में 43mm USD फॉक्स डुअल चैनल ABS ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नेविगेशन स्लीपर क्लच क्विक शिफ्टर एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इन बाइक्स में राइडिंग मोड्स भी ऐड किए जा सकते हैं। तो प्राइस की बात करें तो यामाहा की बाइक्स के लिए बजट थोड़ा टाइट करना पड़ता है और इन बाइक्स का प्राइस रह सकता है 3,50,000 रुपये से 3,70,000 रुपये एक्स शोरूम। एंड लॉन्चिंग डेट की बात करें तो यामाहा के दोनों ट्विन्स भी अक्टूबर यानी कि फेस्टिवल सीजन में लॉन्च किए जाएंगे। तो ये सारी बाइक्स हैं जो कि आने वाले 4 या 5 महीने के अंदर लॉन्च होने वाली हैं। एंड इनमें से आप कौन सी बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं कमेंट ज़रूर करना। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय लव यू एंड राइड सेफ।